morning students, as I was explaining chapter 1 from the book Footprints the Outfits for class 9. Actually when the boy spot at the roundabout at the giant wheel, and he did not suppress his desire of riding on the giant wheel, he made a bold request to his parents. He knew the request would be refused, but he made a bold request to his parents. And when he turned to say the request, he found there was no sign of his parents. First he looked to the right, then to the left, then at back, and to the front. But there was no sign to his parents anywhere. So what did he do? Did he find his parents or not? Let us see. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. और इसके बाद to and fro भी होता है here and there. यहाँ वहाँ दौड़ने के बाद हर तरफ क्या नाम है दौड़ने के बाद उसकी जो cry था उस स्क्यू में क्या नाम है convert हो गई. पहले वो रो रहा था, फिर वो सिसकियाँ ले लेकर रोने लगा. मतलब एकदम डिफीटेड हो चुका था, हार गया था वो उसे, क्योंकि उसके पेरेंट्स से कोई साइन कहीं नज़र नहीं आ रही थी. तभी उसकी आंखों में जो आंसू थे, आंसू जो भर आए थे, उसने उन फिल्मी आइज से थोड़ी दूर पे क्या देखा, कुछ आदमी और औरत वहाँ बात कर रहे हैं, थोड़ी दूर पर बात कर रहे हैं. एक ग्रीन ग्रास था, हरा भरा मैदान था. वहाँ पर कुछ मेन और वुमेन टॉक कर रहे थे, बात कर रहे थे. वहाँ पर वो देखता है, ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. और वहाँ पर वो जो पीले पीले जो कपड़े लोग पहने हुए थे, वहाँ पर उनमें से अपने फादर और मदर को बहुत ही गौर से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, क्योंकि वहाँ पर भी उसके फादर और मदर की कोई भी साइन नज़र नहीं आई. वहाँ पर भी उसको उसके फादर और मदर नज़र नहीं आए. वो सेम टू लॉफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉफिंग एंड टॉकिंग, जो केवल हंसी और मजाक के लिए दूसरे से बात कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे, कि फेयर था, मेला था, मेले में लोग क्या और क्या करते हैं. ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू द श्राइन. श्राइन में होता है टेम्पल, याद रखिएगा, श्राइन में क्या होता है टेम्पल. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of the space here was congested with men, but he ran through people's legs, the little soft lingering mother father. और इसके बाद उसने एक मंदिर देखा, एक श्राइन देखा. श्राइन पर उसने सोचा कि चलो वहाँ पर देखते हैं, हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स वहाँ पर हो. लेकिन जब वो वहाँ पर देखते हैं, इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है, बहुत ही कंजेस्टेड थी वो प्लेस, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड था. लोगों के आने जाने की कोई जगह ही नहीं थी, वहाँ से मूव नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही मुश्किल से मूव कर रहे थे, दूसरे को धक्का देकर, पुश करके, पुल करके लोग दूसरे को आगे बढ़ रहे थे या पीछे आ रहे थे. इवन एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हैज हियर वाज कंजेस्टेड. अच्छा, उसने क्या किया, क्योंकि वो छोटा था तो उसने क्या किया कि लोगों के पैरों के बीच से होकर वो श्राइन की तरफ, मंदिर की तरफ आगे बढ़ा, और उसकी जो सिसकियाँ थी अभी भी वो सिसकियाँ ले रहा था, बिलक रहा था, रो रहा था, रोते रोते कह रहा था मदर फादर. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, हैवी मेन विद फ्लैशिंग लोटस आईज एंड हैवी शोल्डर्स. जब वो एंट्रेंस के पास पहुंचा, मंदिर के एंट्रेंस के पास पहुंचा, तो वहां पर भीड़ और ज्यादा हो गई. एक दूसरे के लोग जोसल कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, पुश और पुल कर रहे थे, बड़े बड़े लोग थे, ठीक है,
उनकी आंखें जैसे लग रहा था कि कोई मर्डर किए हो, मर्डरस आईज, बड़ी बड़ी आंखें उनकी नजर आ रही थी और उनके हट्टे कट्टे शोल्डर्स उनके नजर आ रहे थे। The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother, father, mother!" और बेचारा बच्चा किसी तरीके से उनके पैरों के बीच से धक्का मुक्की जो उसका नाम है लग रहा था, जोसल हो रहा था, कभी इधर हो रहा था, कभी उधर हो रहा था, किसी तरीके से वो मंदिर के एंट्रेंस के पास पहुंचने की कोशिश करता है और वो तो किसी के पैरों के नीचे आ ही गया होता। क्या हुआ कि एक कंडीशन ऐसी हुई, एक मूवमेंट ऐसा हुआ कि वो किसी के पैरों के नीचे आने ही वाला था, तभी उसने बहुत जोर की एक आवाज लगाई, चीखता हुआ उसने चिल्लाया, "फादर मदर!" और उसकी एक उसी की आवाज को एक काइंड हार्टेड पर्सन ने सुन लिया और सुनने की वजह से वहां से पिकअप कर लिया इनटू हिज आर्म, उसे अपनी बाहों में ले लिया, उसे वहां से उठा लिया। अगर वो चिल्लाता नहीं तो डेफिनेटली वो ट्रैम्पल्ड हो जाता, किसी के पैरों के नीचे आ जाता। A man in the surging crowd, उस उमड़ती हुई भीड़ में जो मूव कर रही थी, आ जा रही थी, उसकी क्राई को सुन लिया और उसने उसे क्या कर लिया, झुक कर उसने उसे उठा लिया। How did you get here? बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए? वो सुन आ रही जिसके लड़के हो? The man asked as he steered clear of the mass. जब वो उस भीड़ से दूर आया तो उसने ये सारे क्वेश्चन उससे पूछना शुरू कर दिया। A child wept more bitterly than ever now and only cried. बच्चा पहले से ज्यादा रोने लगा और बिलखते हुए चीखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा, "I want my mother, I want my father." The man tried to soothe him, but taking him to the roundabout, "Will you have a ride on the horse?" he gently asked. As he approached the ring, the child tore into a thousand few sobs and he only shouted, "I want my mother, I want my father." जैसा कि मैंने बताया था कि वो लड़का राउंड अबाउट मीन्स जैंट व्हील, उस बड़े से झूले पर वो राइड करना चाह रहा था, उसकी वो डिज़ायर थी और इसीलिए उसने अपने पेरेंट को कॉल किया तो वहीं पर ही उसके पेरेंट डिसअपीयर हो जाते हैं, गैप हो जाते हैं। और अब जब वही वो स्ट्रेंजर जो अजनबी है, वो अजनबी आदमी जब उसे झूले पर बैठने के लिए कहता है तो इनकार कर देता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आई वॉन्ट माई फादर, I want my mother. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute, but the swaying cobra listened to that nice music child depleted, but the child shot his ears with his fingers and shouted his troubled his strain, "I want my mother, I want my father." उस लड़के को सपेरे के पास लेके जाता है और वहाँ पर उसे कहता है, क्या तुम इस ब्यूटीफुल वॉइस को सुनना चाहोगे, इस म्यूजिक को सुनना चाहोगे? तो क्या करता है कि अपने हाथों से, अपने फिंगर से अपने कानों को कवर कर लेता है और कहता है कि नो, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी थिंग, आई जस्ट वॉन्ट माई फादर एंड मदर, मुझे मेरे पेरेंट चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जोर से चिल्लाकर वो कहता है, The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quiet him. "Would you like a rainbow-colored balloon?" he persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just thought, "I want my mother, I want my father." So the stranger उसे बैलून के पास लेके जाता है, रंग बिरंगे बैलून्स वहाँ पर होते हैं, सोचता है कि हो सकता है उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, भूल जाए अपने पेरेंट को कुछ देर के लिए, लेकिन वो फिर और जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी ओवर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड, "लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक टू गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक?" इसके बाद उसको फ्लावर के पास लेके जाता है, फूलों की दुकान के पास लेके जाता है, कहता है क्या तुम एक गार्लैंड पहनना चाहोगे अपने गले में? फिर वो बच्चा कहता है, "नो, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, आई जस्ट वॉन्ट माई फादर एंड मदर." द चाइल्ड टर्न इज नोज, वो अपने नाक वहाँ से हटा लेता है उस बास्केट से एंड रिट्रीटेड दिस सॉप, और अपनी सिस्कियों को और डबल करते हुए बढ़ाते हुए कहता है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। थिंकिंग टू गिव हिज डिसकंसोलेट चर्च बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, "What sweets would you like, child?" he asked. The child turned his face from the sweet shop and only said, "I want my mother, I want my father." ये सोच कर कि हो सकता है कि
मिठाइयों की महक से हो सकता है कि उसका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, डिसकंसोलेट हो जाए, और इसीलिए वो उसे स्वीट शॉप पे लेके जाता है, मिठाई की दुकान पे लेके जाता है, और उससे कहता है बेटा कौन सी मिठाई तुम लेना चाहोगे। फिर वो दोबारा चिल्ला कर कहता है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। इस तरीके से कहानी का अंत होता है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड द लॉस्ट चाइल्ड। और लास्ट में तो लिखा भी नहीं कि वो अपने फादर को उसे अपने पेरेंट्स को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को हमें करना भी है। मैं इसका पीडीएफ अगर आपको सेंड कर दूंगा और आप इसे राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।